इंटरनेशनल सिस्टम में इस देवभूमि मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज के हमारे होस्ट मिस्टर जितेंद्र जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि उनके द्वारा मंच का संचालन इतनी परिपक्वता पूर्ण हो रहा है इनकी लीडरशिप और अंदाज हमारे लिए प्रेरणादायक है जो दर्शाती है कि प्रतिदिन सेशन का हिस्सा बनकर आज वे इस सेशन का मुख्य किरदार बनकर उभरे हैं इसी प्रकार से मेरी अपेक्षा है कि इस सेशन का प्रत्येक मेंबर इसी प्रकार से अपने आपको इस मंच के माध्यम से निखारे और हमें गौरवान्वित करे। दोस्तों आज का सेशन जो है उसमें जो प्लान प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी है वो आज मुझ पर है तो मैं आप सभी लोगों के साथ प्लान प्रेजेंटेशन शो करूंगा और इस पर हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे कि ये आखिर क्या है और ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है और ये हमें किस तरीके से इनकम दे सकता है तो दोस्तों मेरी आशा है कि आप लोग इस सेशन में बने रहेंगे तो मैं सबसे पहले जितेंद्र जी, जी से कंफर्म करना चाहूंगा शेयर हो रहा है या नहीं सर मुझे बताइए यस यस सर 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 शेयर हो रहा है सर ठीक yes yes है सर मैं शुरू कर रहा हूं देवभूमि परिवार हल्द्वानी में आप सभी मेंबर्स का स्वागत है हम यहां पर बात करेंगे पलवाइन इंटरनेशनल सिस्टम की जो कि एक सोशल ई कॉमर्स वेबसाइट है मेनली यह एक डिजिटल रेवोल्यूशन सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है जिसके फाउंडर मिस्टर डॉक्टर डेनियल जॉनसन है जिन्होंने इसे पहली बार ग्लोबली दिसंबर 2015 में यूएसए में लॉन्च किया था तब से लेकर 2018 तक यह 139 कंट्रीज में सक्रिय था और 2018 ईयर में ये इंडिया में लॉन्च हुआ और आज 2021 चल रहा है दोस्तों और ये अभी इस वक्त 135 प्लस कंट्रीज में एक्टिव है दोस्तों इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि इंटरनेट के माध्यम से चलने वाले इस सिस्टम के द्वारा अर्निंग कैसे संभव है और नेटवर्किंग सिस्टम होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं इसके अलावा मार्केट में और भी इससे मिलते-जुलते कौन-कौन से नेटवर्किंग डिसाइड करें कि आपको क्या करना है फिलहाल सिर्फ आपको मुझे ध्यान से सुनना है दोस्तों दुनिया में पैसे कमाने के मेनली दो तरीके हैं या तो आप जॉब करेंगे या बिजनेस जॉब करने के लिए सबसे पहले जॉब मिलना बहुत मुश्किल है आज के समय में बहुत ही भागदौड़ है इंटरव्यूज हैं सोर्स होना भी बहुत जरूरी है इसके बिना जॉब में आपका काफी पैसा भी खर्च होता है और इसके अलावा जॉब कंफर्म है यह भी आप श्योर नहीं है कि आपको वो इंटरव्यू देने के बाद जॉब मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं दूसरी तरफ अगर आप अच्छे बैकग्राउंड से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में तो कोई भी बिजनेस कितनी इन्वेस्टमेंट लेता है इसका आंकलन आप बिजनेस के हिसाब से कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी शॉप के लिए पहले शॉप चाहिए फिर उसका फर्नीचर ग्रोसरी आइटम्स बिजली का बिल आ, लाइसेंस आल्सो नीड सम एरियाज परमिशन और भी भी बहुत कुछ इतना करने के बाद ग्राहक की कोई गारंटी नहीं अच्छी जॉब के लिए आपका वेल एजुकेट होना जरूरी है बिजनेस करने के लिए अनुभव चाहिए जॉब आपको फुल डे बेस पर ही सैलरी देगा और बिजनेस का तो आपको पता ही है वो आपको समय ही नहीं देगा जॉब करने वाले व्यक्ति को उस जॉब से रिलेटेड प्रोफेशनली बिहेव करना और शो करना बहुत जरूरी है नहीं तो आपकी जॉब जा सकती है दूसरी ओर बिजनेस में इतना कंपटीशन है कि एक ही आइटम आपको हजार जगह लेने के ऑप्शन है तो ऐसे टफ कंपटीशन में लॉस की संभावना बनी रहती है जबकि दोस्तों दूसरी तरफ ऑनलाइन इंटरनेशनल जो नेटवर्किंग सिस्टम है इसमें बहुत ही कम लागत है इसमें आप बहुत ही कम लागत लगा के आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे एजुकेशन एज एक्सपीरियंस मतलब कोई जी सर सर आपके स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आई थिंक ओके आई विल आई विल ट्राई अगेन मिनिमाइज हो गया आपका मिनिमाइज प्लीज ओके ओके सॉरी ओके सर ओके सर अभी कंफर्म है यस 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 प्लीज आप कंटिन्यू करिए यस ओके ओके थैंक यू वेरी मच सर तो मैं बात कर रहा था पलवाइन नेटवर्किंग सिस्टम की बहुत ही कम लागत में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं इसे करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे एजुकेशन एज एक्सपीरियंस मतलब कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि इसे आप अपने स्मार्टफोन से ऑपरेट कर सकते हैं और स्मार्टफोन तो आजकल होना आम बात है इसे आप जॉब करते हुए भी कर सकते हैं और बिजनेस करते हुए मतलब ये आपका सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है इस, इस, इस सिस्टम में किसी तरह का कॉम्पिटिशन नहीं है सभी आपके सहयोगी हैं और लॉस जीरो तो दोस्तों इस तरीके के पलवाइन सिस्टम में हम जुड़े हैं और इस तरीके से ये एक अलग नेटवर्क बनाता है और इसी तरीके से ये दूसरे नेटवर्किंग बिजनेस से भी अलग होता है तो इसमें ज्वाइन करने की वजह क्या है और हम इसे ज्वाइन क्यों करें किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आप और हम उसकी श्योरिटी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का आंकलन करना जरूरी समझते हैं इस सिस्टम की श्योरिटी और स्टेबिलिटी की चर्चा हम करते ही हैं। हर सेशन में हम इस बारे में आपको डीपली बताने की कोशिश करते हैं तो आइए इसकी सिक्योरिटी के विषय पर हम थोड़ी नजर डालते हैं दोस्तों अब आप सोचेंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत ज्यादा जो रिस्क है वो बढ़ गया है तो इसके लिए आपको मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है जो कि सिक्योरिटी सिस्टम है इसकी सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बता रहा है जो कि इसे वर्ल्ड का सबसे सेफियस्ट डिजिटल वॉलेट सिस्टम बनाता है दोस्तों पलवाइन सिस्टम एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है जो कि टोटली रोबोटिक सिस्टम है जिसे बहुत ही सुरक्षा दी गई है ताकि कोई भी सिस्टम और व्यक्ति इसे हैक ना कर सके और फ्रॉड ना कर सके वो कैसे आइए समझते हैं सबसे पहला कारण जिस वजह से सेफ माना जाए वो ये है कि इसका खुद का सर्वर और खुद का डोमेन है जिसका मतलब हुआ कि आपका अपना घर है और उसको जाने वाली सड़क भी आपकी निजी है इस पर कोई अन्य ट्रैफिक नहीं है और ये इसका अधिकार क्षेत्र है दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड वेबसाइट और एप्लीकेशन मतलब ये कि इसे आप दुनिया के किसी भी जगह से ऑपरेट कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं दुबई में बैठकर इसको ऑपरेट करता हूं तो ये बहुत ही ईजी है पूरी तरीके से अवेलेबल है और इसकी खुद की ऐप है जिसके थ्रू आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अगला पीयर टू पीयर तकनीक दोस्तों इसका मतलब होता है कि एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम से कनेक्ट रहता है फाइल ट्रांसफर करता है और इंटरनेट के माध्यम से वो भी बिना किसी सेंट्रल सर्वर के यही वजह है कि ये ट्रस्टेबल भी है अगला है असीमित क्लाउड स्टोरेज मतलब इसे डाटा स्टोरेज के लिए इतना स्पेस है कि आने वाले समय में दुनिया का अगर आखिरी आदमी भी इससे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है इसमें स्पेस की कोई बाउंडेशन नहीं है जिस कारण से यह हैंग होने की समस्या फेस नहीं करता है। अगला है दोस्तों टीम तकनीकी टीम सपोर्ट यदि आपको इस सिस्टम को ऑपरेट करने में किसी भी तरीके की असुविधा फेस हो तो इसके लिए अपनी टेक्निकल सपोर्ट टीम है जो आपको समय समय पर गाइड करती है अगला है दोस्तों सर्वर सिक्योरिटी इसमें सर्वर की सुरक्षा को कई तरह से सुरक्षित किया जाए जैसे क्लाउड फेयर सर्वर सिक्योरिटी जो कि एक सी uh, मतलब कंटेंट डिलीवर नेटवर्क है और यह वेबसाइट की लोडिंग स्पीड और सिक्योरिटी को बढ़ाता है uh, इसके यूज से आपकी वेबसाइट की सारी ट्रैफिक uh, क्लाउडफेयर से होकर गुजरेगी जिससे ये रॉन्ग ट्रैफिक जैसे स्पाम इनलीगल एक्टिविटी छन अलग हो जाती है इससे सिस्टम सेफ बना रहता है जो कि एक भरोसेमंद सॉफ्टवेयर के संचालन में सहायक है जिससे इसे हैक करना नामुमकिन है आ, इसके अलावा डी डॉस प्रोटेक्शन है ये साइबर अटैक से सिक्योरिटी होता है इसके साथ एस एस एल सर्टिफाइड भी है सिक्योर लेयर बोलते हैं सो, आ, जिससे आपकी पर्सनल डिटेल जैसे आपका नाम अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर ईमेल, ये पर्सनल डिटेल को सिक्योर करता है इस तरह से यह सिस्टम वर्ल्ड का सेफियस्ट सॉफ्टवेयर बनता है दोस्तों मार्केट में इस वक्त पेटीएम एस बी आई का योनो के डिजिटल वॉलेट से इसकी तुलना की जाए तो पेटीएम और योनो दोनों यूजर्स कंपनी है आप उसमें एज अ यूजर हैं जो कि हाई एक्सपेंसिव जबकि पलवाइन को ऑनर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है और लो एक्सपेंसिव है इसमें आपको ऑनर बनने का मौका मिलता है वो भी एक बहुत ही छोटे अमाउंट की इन्वेस्टमेंट के साथ दोस्तों अब हम जानते हैं कि पलवाइन में अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में यह प्रोसेस बहुत ही आसान है इसमें आपको खुद कुछ साधारण सी डिटेल जो कि अकाउंट खोलने वाले की होगी और साथ में 2250 का इन्वेस्टमेंट वो आपको देना होगा साधारण डिटेल जैसे ज्वाइनर का नाम उसका मोबाइल नंबर उसकी वर्किंग ईमेल आईडी और एक महत्वपूर्ण अंश जो कि अति आवश्यक है वो है रेफरल अकाउंट नंबर जो आपको आपके अपलाइन लीडर द्वारा दिया जाएगा इसके माध्यम से ही आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ बाइस सौ पचास रुपए ना कहकर डीपी शब्द का यूज किया गया है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीपी का अर्थ है डिजिटल पॉइंट है। मतलब एक तरह से डिजिटल करेंसी जिसकी एक डीपी की वैल्यू एक डॉलर रखी गई है इस हिसाब से तीस तीस डीपी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर बाईस के अप्रोक्स बनती है तो दोस्तों अब समझते हैं इसके कुछ पावरफुल फीचर्स Uh, सबसे पहले इसमें आपको बैंक की तरह बारह अंकों का ग्लोबल डिजिटल अकाउंट मिलता है जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक यूनिक नंबर दिया जाता है बारह अंकों का इसमें भी सेम एज आपको वही सुविधा दी जाती है uh, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें मिनिमम बैलेंस की कोई बाध्यता नहीं है जिस प्रकार से हम अक्सर अन्य बैंक की पॉलिसीज में देखते हैं कि इसमें मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट रहती है इसमें ऐसा कुछ नहीं इसका कोई मेंटेनेंस चार्ज आपको पे नहीं करना इसमें एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर की सहूलियत भी है इसके साथ ही आपको फ्री पासबुक की सुविधा दी जाती है जिसमें आप अपनी विड्रॉल और आपके जो भी क्रेडिट्स है उनको देख सकते हैं आप अपने पैसे केवाईसी के बाद अपनी निजी किसी दूसरे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं जिसमें कुछ गवर्नमेंट चार्जेस कट के आपको पैसे मिलते हैं इसके अलावा ओ एंड ईमेल वेरिफिकेशन की सुविधा भी मिलती है और कोई भी ट्रांजेक्शन का नोटिफिकेशन मैसेज आपको फ्री दिया जाता है जिसके चार्जेस अगर आप किसी बैंक में अगर पता करेंगे तो उसके चार्जेस इंक्लूडेड रहते हैं इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपको किसी भी तरीके की कोई असुविधा आती है इसको ऑपरेट करने में तो इसके लिए इनकी टेक्निकल सपोर्ट टीम है आप बाय मेल इनसे किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हैं इसके अलावा 24 घंटे अवेलेबल ये आपके लिए है आप दिन के किसी भी टाइम पर इसमें अकाउंट खोल सकते हैं और कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं दोस्तों इतना सिक्योर सिस्टम है इतने पावरफुल फीचर्स हैं तो ये हमको इनकम कैसे देता है किस तरह से देता है तो आइए इसे समझते हैं दोस्तों पलवाइन मेनली सात तरह के वॉलेट के द्वारा है इसे जो हमको इनकम देता है उसके सात तरीके के वॉलेट है आइए इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहला इसमें है रेफरल इनकम दोस्तों जब भी आप किसी मेंबर को अपने रेफर अकाउंट के माध्यम से ज्वाइन करवा कर इससे पल करवाते हैं तो उसी क्षण आपको उसका इनाम डीपी लगभग रुपए के रूप में आपको में आपको वॉलेट मिलता है यह है आपकी रेफरल जिसमें जो आपके हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फिफ्टीन डीपी आपको रेफरल इनकम के थ्रू मिलते हैं टेन डीपी आपको टीम परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलते हैं और फाइव डीपी आपको ग्लोबल ऑटोपोल के माध्यम से मिलते हैं इसको हम आगे स्लाइड में समझेंगे यानी थर्टी डीपी का मतलब बाईस सौ पचास से इन्वेस्ट करके कोई भी पल्वाइन को ज्वाइन करेगा तो उसे उसके अपलाइन को रेफरल इनकम में फिफ्टीन डीपी मिलेगा तो सेकेंड टीम परफॉर्मेंस इनकम आपकी डाउनलाइन के अप टू एट लेवल लेवल तक हर ज्वाइनिंग 1.25 डीपी मिलता है मतलब एट लेवल के हिसाब से into 8 is equal to 10 DP. इसके अलावा, ग्लोबल ऑटोपोल जो मैं फाइव डीपी की बात कर रहा था उसमें आपके एट लेवल तक आपको डिफरेंट शेयरिंग के हिसाब से अगर आप फोर की मैट्रिक्स लेके चलते हैं तो फोर में पॉइंट वन जीरो के हिसाब से फोर्टी डीपी और एट लेवल में सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स ज्वाइनिंग अगर आप फोर की मैट्रिक्स के हिसाब से करते हैं तो उसमें आपको जीरो पॉइंट फाइव शेयरिंग के हिसाब से थर्टी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट डीपी आपको मिलते हैं अगर इसको हम टोटल कर देते हैं तो यहाँ पर फाइव डीपी का जो ऑटोपोल शेयरिंग में मिल रहा है तो उसके अनुसार आपको अगर आप एटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एटी की टीम लेकर चल रहे हैं तो आपको वहां पर फोर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स फोर का इनकम होता है किसी मेंबर को अगर ये अमाउंट विड्रॉल करना है और अपने किसी निजी अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उसकी भी सुविधा इसमें दी गई है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केवाईसी का छोटा सा एक आ, सेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स है इसकी जैसे आपको दो कंडीशन यहां पर दी गई है कि सबसे पहले तो आपको फोर न्यू डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने हैं और उसके अलावा आपका जरूरी है कि आप पल से कोरल में अपग्रेड करें फिफ्टी डीपी के साथ अगर आप ये सब कर लेते हैं तो जितना भी अमाउंट आपके पास ग्लोबल ऑटोपोल वॉलेट में है वो आप अपने निजी किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं तो दोस्तों आगे बात करेंगे फास्ट्रैक इनकम की दोस्तों ये अपग्रेड करने पर चलता है जैसे ही आप अपग्रेड करते हैं और आपकी टीम भी अपग्रेड करती है तो उस हिसाब से आपको इनकम होती है जैसे यहाँ पर कोई भी अगर अगर आप कोरल में हैं सॉरी आप पल में हैं और आप आपने किसी की पल में ज्वाइनिंग करवाई है तो आपको जो नियम है फिफ्टीन डीपी मिलता है इसके अलावा आप फोर की मैट्रिक्स में अकाउंट खोल के फिफ्टी डी के साथ अगर कोरल करते हैं और आपका जो डाउनलाइन है वो भी कोरल करती है तो उसमें आपको ट्वेंटी डीपी का इनकम uh, मिलेगा इसी हिसाब से यहाँ पर रूबी तक के जो पॉइंट्स हैं हैं पे दिखाए गए जिसमें 20 से अकाउंट्स uh, के साथ अगर आप uh, रूबी अपग्रेड करते हैं और साथ में आपका डाउनलाइन भी रूबी अगर आपका अपग्रेड करता है तो वहां पे आपको एट थाउजेंड डी तक का इनकम मिलेगा इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों बिग बोनजर ट्वेंटी इसमें दोस्तों आपको ऑटो पूल की सुविधा दी गई है जैसे इसमें जो बिग बोनजा है इसमें जो रैंक आपको दिखाए गए डीपी तो 100 डीपी 200 डीपी एंड 500 डीपी इसमें अलग, अलग अलग लेवल के आपको ऑटोपोल मिलते हैं जिसमें 65 फाइव ,00 से लेकर नाइनटीन करोड़ तक का आपको ऑटोपोल यहाँ पे मिलता है नेक्स्ट हम चलते हैं बोनजा टीम परफॉर्मेंस दोस्तों ये डीपी मिलता है इसी के पहलर आप लास्ट में यहां पर एमेजोन नाइट है और दूसरे में अगर आप एक्सएलसी हैं तो थर्टी एट डीपी तक आप इनकम कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों सेवेंथ जो फॉर्च्यून वॉलेट है ये रॉयल्टी इनकम है रिटायरमेंट प्लान है इसमें आपको समय समय पर अगर आप पल में है तो वन डी और अगर आप रूपीएम में तो फिफ्टी डी तक का आपको इनकम मिलता है तो दोस्तों ये एक तरीके का रिटायरमेंट प्लान है जैसे गवर्नमेंट अपने जो भी वर्कर्स हैं उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है उसी तरीके से पलवाइन भी अपने जो योग्य लीडर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रॉयल्टी इनकम के तौर पर फॉर्च्यून वॉलेट गिफ्ट करती है तो इतना सब इनकम होने के बाद इतना डीपी होने के बाद इसका जो यूजिस है वो आप किस तरीके से करेंगे इसके लिए जैसा कि अभी जो अभी बंकी डॉट कॉम के थ्रू थाईलैंड में जो अपना ऑनलाइन पोर्टल अभी ओपन हुआ है उसके थ्रू भी आप इसका लाभ ले सकते हैं इसके अलावा ई वॉलेट जैसे यूटिलिटी सर्विस एंड शॉपिंग जैसे मोबाइल रिचार्ज डी रिचार्ज एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा ये सब आप इस डीपी के माध्यम से आने वाले समय पर कर सकेंगे इसके अलावा बैंक इसमें मैंने आपको बताया था जो भी गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उतना कट के जैसे दस परसेंट यहां पर दिखाया गया है दस परसेंट कट के बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है इसके अलावा आप नए अकाउंट खोल सकते हैं और अपने लेवल भी अपग्रेड कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें आपके लिए बहुत कुछ है अगर आप नियमित तौर पर इस बिजनेस को करते हैं इस सिस्टम में जुड़े रहते हैं और इसके अनुसार काम करते हैं तो इसमें आपके जितने भी सपने हैं वो पूरे होने की गारंटी है और इसके अलावा मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है मैं इस सिस्टम से पिछले पांच महीने से जुड़ा हूँ इसके माध्यम से सेशन के माध्यम से मैं अपना व्यक्तिगत विकास भी कर पाया पाऊ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और सभी मेंबर से अनुरोध करूंगा कि इस प्लान के रिगार्डिंग अगर उनके मन में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, तो प्लीज अपने क्वेश्चन साथ में लेकर ना जाएं और हेन्ड्रिस के माध्यम से उनका सोल्यूशन लें। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू सर थैंक यू